के ग्लेशियर से पिघलकर आता है. फ्रॉम द ग्लेशियर्स, फ्रॉम द हिमालयन ग्लेशियर्स, काराकोरम, हिंदुकुश. एंड दीज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अ क्वाइट अ रैपिड पेस. वी डिटेक्टेड ऑलरेडी 5,000 ग्लेशियर्स तेज रफ्तारी से पिघल रहे हैं. हम अभी तक अपने पहाड़ों में 5,000 झीलों की निशानदेही कर चुके हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहता है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता तो हमें खदशा है कि हम इंसानों को एक बहुत बड़ी आफत दरपेश हो सकती. मेरे मुल्क में जब मेरी पार्टी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इक्तदार आई तो हमने 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया और अब हमने अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है. इसके पीछे मकसद मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटना है. लेकिन सिर्फ एक मुल्क अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पूरी दुनिया ने इस मसले से मुश्तरका तौर पर निमटना है. मेरी उम्मीद की वजह यह हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह कुव्वत दी है. हम कुछ भी कर सकते हैं बशर्ते कि हम अपनी जिंदा रहने वाली जबिल्लत को झंझोड़ें. And this is really what I hope. मुझे कवी उम्मीद है कि अक्वामे मुत्तहिदा इस सिलसिले में कायदाना किरदार अदा करेगी. इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए. अमीर मुमालिक को इस पर मजबूर किया जाए कि उन गैसों के इखराज में कमी लाएं जो दर्जे हरारत में इजाफे का बाइस बनती हैं, क्योंकि हम जैसे मुमालिक से ऐसी गैसों का इखराज न होने के बराबर है. लिहाजा मैं समझता हूँ कि अक्वामे मुत्तहिदा को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए. The United Nations must take leadership in this. My second issue. दूसरा मसला जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूं वो मेरे लिए इससे भी ज्यादा अहम है. जनाबे सदर, हर साल अरबों रुपए गरीब मुमालिक से अमीर मुमालिक में मुंतकिल किए जाते हैं. हर साल अरबों डॉलर्स हुक्मरान तबकात की चोरी की नजर हो जाते हैं और ये सारा पैसा मगरबी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर इन रुकूम से महंगी जायदादें खरीदी जाती हैं. जनाबे सदर, ये अमल तरक्की पजीर मुमालिक को तबाह कर रहा है. इससे गुरबत में इजाफा हो रहा है और गरीब मुमालिक कर्जों के बोझ तले दब रहे हैं और इससे गरीब और अमीर लोगों में फर्क मजीद बढ़ता जा रहा है. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering इस वजह से हो रही है क्योंकि गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को वैसे नहीं समझा जाता जैसे मनशियात से हासिल किया गया पैसा या दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने वाली माली वसाइल पर दुनिया की नजर है. गरीब मुमालिक को जिस तरह अपने बाअसर तबकात लूट रहे हैं इसको कोई जुर्म तसव्वुर ही नहीं करता. मुझे जब साल पहले हुकूमत मिली तो इससे पहले वाले 10 सालों में हमारे मुल्क के मजमूई कर्जे में 4 गुना इजाफा हुआ. जो कर्जा 60 सालों में लिया गया था उसका 4 गुना सिर्फ 10 सालों में लिया गया. In the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years, it went up 4 times. As a result, the total revenue. इसके नतीजे में हमने एक साल में जितना टैक्स इकट्ठा किया उसका आधा सिर्फ कर्जों की अदायगी पर चला गया. अगर ये हालात हों तो हम इंसानों यानी अपने 22 करोड़ लोगों पर पैसा कैसे खर्च करेंगे. वजह यही थी कि हमारे मुल्क को हुक्मरान तबकात ने बुरी तरह लूटा था और वो बड़ी आसानी से ये सारा पैसा मुल्क से बाहर ले गए. जनाबे सदर, जब इस लूटे हुए पैसे से बैरून ममालिक में खरीदी गई जायदादों की निशानदेही की गई तो हमें ये पैसा वापस लाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. हम ये पैसा वापस लाकर अपने लोगों पर खर्च कर सकते हैं मगर इस सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं. ऐसे कानून बनाए गए हैं जो इन मुजरिमों को तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं. But they are such, it's so difficult.
the laws protecting these criminals. We do not have the sort of money. हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम महंगे तरीन वकला की खिदमात हासिल करके इन पर करोड़ों डॉलर खर्च करें. इसलिए हमें अमीर ममालिक की मदद की जरूरत है. और जनाब सदर, ये बहुत अहम है. अमीर ममालिक में पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि वो किसी को ऐसा न करने दे. गरीब ममालिक इंसानी तरक्की, जिसे अक्वामे मुत्तहिदा SDG का नाम देती है, पर पैसे कहां से खर्च करेंगे? लिहाजा अमीर ममालिक को चाहिए कि वो अब इस बारे में कुछ करें. वो ऐसे इकदामात करें कि करप्ट हुक्मरानों के लिए ये मुमकिन ही न रहे कि वो अपने मुल्क का पैसा चोरी करके बैरून ममालिक जायदाद मुंतकिल करें. To stop economic refugees coming as we see right now, they must take action. They must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to. वो ऐसे इकदामात करें कि करप्ट हुक्मरानों के लिए ये मुमकिन ही न रहे कि वो अपने मुल्क का पैसा चोरी करके बैरून ममालिक मुंतकिल करें और वहां पर इन पैसों से महंगी जायदादें खरीदें. मुझे समझ नहीं आ रही ये टैक्स हेवंस क्यों बनाई गई हैं? इनकी इजाजत क्यों है? इन टैक्स हेवंस को कानूनी हैसियत क्यों दी गई है? अब दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया की आबादी में इजाफा हो रहा है, लिहाजा इससे हम शदीद खतरात से दो चार हो सकते हैं कि गरीब गरीब तर होते जाएं और अमीर अमीर तर होते जाएं. लिहाजा ये मेरा दूसरा नुकता है और मुझे उम्मीद है कि अक्वामे मुत्तहिदा इस मामले में कायदाना किरदार अदा करेगी. The United Nations takes a lead in this. It involves the IMF, the World Bank, Asian Development Bank. They must find a way of stopping this. और IMF और World Bank की मदद से तरक्की पजीर ममालिक को इस तरह लूटने का रास्ता रोकेगी. मेरा तीसरा नुक्ता नजर इस्लामोफोबिया है. इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान आबाद हैं. मुसलमान दीगर ममालिक, मसलन यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक में अकलियतों की हैसियत से आबाद हैं. 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में खतरनाक तेज रफ्तारी से इजाफा हुआ है. इंसानी बरादरियां एक साथ रहा करती हैं, उनको एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन इस्लामोफोबिया की वजह से हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं. अगर मुसलमान खवातीन हिजाब पहनती हैं तो कुछ ममालिक में इसको भी मसला बना दिया गया है. हिजाब की हैसियत क्या एक हथियार किसी है? कुछ ममालिक में खवातीन अपने कपड़े उतार सकती हैं मगर वो कपड़े पहन नहीं सकती. ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ इस्लामोफोबिया की वजह से होता है. A woman can take off her clothes in countries but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And where, how did this Islamophobia start? After 9/11. And Islamophobia ka aagaz kaise hua? Because iska aagaz 9/11 ke baad hua. Aur ye kyun hua? Iska aagaz isliye hua ki kuch maghribi leaderon ne dehshatgardi ko Islam se joda. Aur Islami dehshatgardi, intiha pasand Islam jaisi istilahi istemal ki gayi. इंतहा पसंद इस्लाम है क्या? इस्लाम तो सिर्फ एक ही है और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम, जिसकी हम पैरवी करते हैं. इसके अलावा और कोई इस्लाम नहीं है. आप इंतहा पसंद इस्लाम जैसी इस्तलाहों से मगरबी ममालिक के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? एक ऐसा शख्स जो न्यूयॉर्क में जिंदगी गुजार रहा हो, वो कैसे जान सकता है कि इंतहा पसंद इस्लाम और इतदाल पसंद इस्लाम में क्या फर्क है? दहशतगर्दी का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. इस्लामी दहशतगर्दी और इंतहा पसंद इस्लाम जैसी इस्तलाहें जिनका इस्तेमाल अहम लीडरान करते हैं, वो बुनियादी वजह है जो इस इस्लामोफोबिया की बुनियाद है. और इससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ होती है. जब हम मगरबी ममालिक का रुख करते हैं तो हमें नजर आता है कि ये सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है. And it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in Europe, जनाब सदर, क्या मैं कह सकता हूँ कि यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है?
हम सबको मालूम है कि जब आप किसी खास तबके को कमजोर करते हैं तो इससे इंतहा पसंदी जन्म लेती है। शाम और दीगर इलाकों में बहुत से अस्करियत पसंदों का ताल्लुक उन तबकात से है जिन पर जुल्म किया गया है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमें इस मसले को हल करना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम मुसलमान सरबराहों ने भी ये मसला हल नहीं किया। 9/11 के बाद जब इंतहा पसंद इस्लाम के बारे में सोचा जाने लगा तो बजाय इसके कि हम मगरबी दुनिया को बताते कि इंतहा पसंद इस्लाम एक अफसाना है, हर मुआशरे में इंतहा पसंद होते हैं और इत्तेदाल पसंद भी होते हैं। ईसाइयों, यहूदियों, हिंदुओं, हर मुआशरे में इंतहा पसंद और इत्तेदाल पसंद मौजूद होते हैं, मगर इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि कोई मजहब, चाहे वो इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाइयत हो या हिंदू मत, वो इंतहा पसंदी सिखाता है। हर मजहब की तालीम मोहब्बत और रवादारी और इंसाफ है। यही चीज हमें जानवरों से मुमताज करती है। बदकिस्मती से मुसलमान रहनुमाओं को इस बात का बड़ा खौफ था कि उनको इंतहा पसंद मुसलमान कहा जाएगा, तो लिहाजा उन्होंने एतदाल पसंद बनने की कोशिश की। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हुकूमत ने रोशन ख्याली जैसी इस्तिलाह इजाद की। किसी को नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। वो समझते हैं कि शायद जो मगरबी लिबास से भी तन करता हो वही रोशन ख्याल होता है। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं भी आती तो वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी तरह वो रोशन ख्याल तस्वर किए जाएंगे। ये क्या था, ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम मुसलमानों ने मगरबी दुनिया को ये बताने की कोशिश ही नहीं की कि इंतहा पसंद इस्लाम का कोई वजूद ही नहीं। 9/11 के बाद इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की एक वजह दहशतगर्द हमले थे, क्योंकि 9/11 को जिन दहशतगर्दों ने हमला किया वो खुद कुछ बमबार थे। मुसलमानों के बारे में कहा गया कि वो इसलिए खुदकुश हमले करते हैं कि उनका ईमान है कि इस तरह उनको जन्नत में आला मकाम मिलता है। ये क्या अजीब और गरीब बात है, मुसलमानों की जानिब से खुदकुश हमलों को दहशतगर्दी कहा गया, मगर किसी ने ये तहकीक नहीं की कि 9/11 से कबल दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए जो कि हिंदू थे। मगर इसी बुनियाद पर किसी ने हिंदू मत को दहशतगर्दी का मजहब नहीं कहा, और ये सही भी था क्योंकि हिंदू मत का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। ये श्रीलंका में उन लोगों ने किए जिनके लिए जीना अजाब बन गया था। दूसरी जंग अजीम के मौके पर जापानी पायलटों ने अमरीकी बहरी जहाजों पर खुदकुश हमले किए, तो इस वजह से किसी ने बुद्ध मत पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगाया। मुसलमानों ने अपने आप को रोशन ख्याल और एतदाल पसंद साबित करने की कोशिश तो की, मगर मगरिब को असल हकायक से आगाह नहीं किया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया पर मगरिब को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मगरिब में बहुत साल रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मगरबी लोग मजहब को उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से हम मजहब को देखते हैं। और ये कि इस्लाम के बारे में उनकी गलतफहमी कैसे पैदा हुई, 1989 में एक किताब शाया की गई जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, जिससे मुस्लिम दुनिया में रद्दे अमल आया। मगरिब को इस मसले की समझ ही नहीं आई, क्योंकि मगरिब में मजहब को बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ते निगाह से देखा जाता है। वो हमारी तरह मजहब को नहीं देखते। इस्लाम को अदम बर्दाश्त का मजहब समझा गया। ये मसला वहाँ से शुरू हुआ, और फिर हर 2-3 साल बाद कोई और सामने आता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, जिस पर मुसलमान दुनिया से रद्दे अमल आता है, और इस तरह इस्लाम के बारे में अदम बर्दाश्त का तासुर फैलता जा रहा है। And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the
people in the West who deliberately provoked this. मैं मगरिब में एक खास तबके को इस ज़मीन में ज़िम्मेदार समझता हूँ, जो जानबूझकर इस किस्म की मज़मून कोशिशें करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे क्या असरात पैदा होंगे। मगरिबी दुनिया की अक्सरियत को इसकी समझ ही नहीं है, और इस सिलसिले में मुसलमान रहनुमाओं ने मुसलमानों को रुसवा किया है। हमें उनको बताना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए क्या हैसियत है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में कितनी मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक के गवाह थे, और कुरान मुसलमानों की रहनुमाई करता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान का अमली नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना कायम की, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत थी, और यही रियासत मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद बनी, जो 700 सालों तक दुनिया की अजीम शान तहजीब रही। और वो रियासत थी क्या? मैं इस्लाम के बारे में अजीब व गरीब बातें सुनता हूँ कि ये ख़वातीन के खिलाफ है, ये अकलियतों के खिलाफ है। इस्लाम ने मदीना में जिस रियासत की बुनियाद रखी, वो दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत थी। ये वो रियासत थी जिसने पहली दफा नादारों, बेवाओं, यतीमों और माजूरों की जिम्मेदारी ली, अमीरों से टैक्स वसूल किया और गरीबों पर खर्च किया। द स्टेट टुक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द वीक, विडोज, ऑर्फन्स, पुअर पीपल, हैंडीकैप्ड। इट टैक्स द रिच, स्पेंड द मनी ऑन द पुअर। द स्टेट अनाउंस्ड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, रियासत ने ऐलान किया कि तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। रंग और नस्ल की बुनियाद पर एक को दूसरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि गुलाम को आज़ाद करना बहुत बड़ी नेकी है। उस जमाने में पूरे मुआशरे की बुनियाद गुलामी पर थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को गुलामी से आज़ाद करने के लिए अमली इकदामात किए। आपने ऐलान किया कि गुलामों को भी बराबर का शहरी समझा जाए। यही वजह थी कि मुसलमानों में गुलाम भी बादशाह बने। मिस्र और हिंदुस्तान में गुलामों ने बादशाही की, और फिर अकलियतों के साथ इंतहाई अच्छा बर्ताव किया। इस्लाम के बारे में ये तासुर गलत है कि मुसलमान अकलियतों का ख्याल नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को तहफ्फुज दिया जाए। आपने ऐलान किया कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इंसानों में कोई तफरीक नहीं। मैं हमेशा उस केस की मिसाल देता हूं कि इस्लाम में चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरबराहे मुमलकत थे, एक यहूदी से मुकदमा हारे थे। Person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a case, a court case against a Jewish citizen. सबसे पहले तो इससे ये जाहिर होता है कि तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर थे, कानून से कोई बालातर नहीं था। दूसरी बात ये कि रियासत मदीना में यहूदी भी बराबर के शहरी थे। इससे ये भी साबित होता है कि जब मुसलमान मुआशरा अकलियतों के हकूक सलब करता है, तो वो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करता है। लिहाजा ये बहुत अहम है कि ये समझने की कोशिश की जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। तो जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो हमारे दिलों को दर्द पहुंचता है, और हमें इस बात का इल्म है कि दिल का दर्द तबीयी दर्द के मुकाबले में बहुत अजियतनाक और दर्दनाक होता है। यही वजह है कि मुसलमानों से रद्द अमल आता है। मैंने हमेशा से ये तसव्वुर किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो मैं दुनिया को, बिलखसूस मगरबी दुनिया को बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मगरबी दुनिया में लोगों को इल्म ही नहीं कि ये कितना हसास मामला है। To the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a
جب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے انگلینڈ گیا تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کامیڈی فلم بنائی گئی تھی، مگر مسلمان معاشرے میں ایسی چیزوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے کیسے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے۔ مغربی معاشروں میں یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے ان کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے، مگر یہی جذبات مسلمانوں کے بارے میں بھی ہونے چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کے بہانے ایسا کام نہ کیجیے جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی ہرگز نہ کیجیے، بس ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں۔ اور جناب صدر، میں چوتھے نقطے کی طرف آتا ہوں جو میری نظر میں سب سے اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور یہ مسئلہ ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال۔ اس مسئلے پر آنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اقتدار میں آیا تو یہ میری اولین ترجیح تھی کہ پاکستان ہر وہ کوشش کرے گا جو امن کے لیے سود مند ثابت ہو۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مشکل مرحلے سے گزرے۔ 2001 کے بعد ہم امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بنے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، کیونکہ اس جنگ میں پاکستان کے 70,000 شہری شہید ہوئے اور معیشت کو 150 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا۔ اینڈ پاکستان وینٹ تھرو ون آف اٹس ورسٹ پیریڈز ویئر 70,000 پاکستانیز ڈائیڈ اینڈ اوور 150 بلین واز لاسٹ ٹو آئر اکانومی۔ اینڈ مسٹر پریزیڈنٹ، آئی اپوز دا وار because in the 80s Pakistan had joined the western countries in جناب صدر، میں اس جنگ کے خلاف تھا کیونکہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جب افغان جہاد شروع ہوا تو ہم اس کا حصہ بنے، اور ان کو مغربی طاقتوں نے فنڈ کیا۔ گوریلا جنگ کے لیے مجاہدین کے گروپ بنائے گئے جنہیں پاکستان آرمی نے تربیت دی، اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے مالی امداد فراہم کی۔ اس کو افغانستان میں جد و جہد آزادی کا نام دیا گیا۔ روسیوں نے انہیں دہشت گرد کہا، مگر ہم نے انہیں مجاہدین کہا۔ 1989 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تو امریکہ بھی واپس چلا گیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ پاکستان واز لیفٹ ود دیز گروپس۔ کم 9/11، پھر سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنا۔ میں جنگ کے خلاف کیوں تھا؟ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم نے ان مجاہدین کی پہلے ذہن سازی کی، اس لیے جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ سارے مجاہدین ہمارے خلاف ہو گئے۔ میں اپنی حکومت سے کہتا تھا کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، کیونکہ غیر جانبدار حیثیت سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر جب ان کے خلاف جنگ کا حصہ بنے تو وہ ہمارے بھی دشمن بن گئے، اور اس طرح ہم ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہوئے اور ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے۔ یہ نقصان ہم نے ایک ایسی جنگ میں اٹھایا جس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. Taliban Afghanistan mein the, Al-Qaeda Afghanistan mein thi, hamara isse kya taluq tha, magar humne 70,000 log shaheed karwaye. To lihaza jab main iktidar mein aaya to humne faisla kiya ke in groups mein se jo kuch bhi bacha hai hum unhe khatam karenge, aur ye faisla sirf humne nahi kiya بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا۔ لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام گروپس کو ختم کریں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ بھارت ہم پر اب بھی یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم اب بھی ان گروپس کو پال رہے ہیں، مگر میں اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مبصرین کا گروپ بھیجیں اور دیکھیں کہ آیا واقعی پاکستان میں کہیں پر دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ بچا ہے۔ مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کسی عسکری تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پس منظر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا
दूसरी बात यह है कि हमने अपने हमसायों से ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। अफगान सरहद पर हमने बाड़ लगाई, इसी तरह हमने ईरान की सरहद पर अपनी निगरानी तेज कर दी है और उन हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की है और भारत के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत में क्रिकेट की निस्बत से मेरे बहुत सारे मद्दा हैं। बड़े सगीर में क्रिकेट से लोग बेपनाह लगाव रखते हैं। मेरे हिंदुस्तान में बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे भारत जाना बहुत अच्छा लगता है, तो लिहाजा जब मेरी पार्टी इख्तदार में आई तो सबसे पहले हमने भारत से राबता किया। मैंने नरेंद्र मोदी से बात की कि हमारे एक जैसे मसाइल हैं, जैसे माहौलियाती तब्दीली और गुरबत, आए हम मिलकर अपने मसाइल बाहमी तजारत से हल करें और एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करें। नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले होते हैं। मैंने उनसे कहा हमें भी आपकी तरफ से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सामना है। कुलभूषण यादव ने जो जासूसी करते हुए पकड़ा गया तस्लीम किया कि वो कराची और बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मैंने कहा आओ इससे आगे बढ़ें, हमारी अवलीन तरजीह हमारे अवाम होने चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब बड़े सगीर में बसते हैं, बदकिस्मती से इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आवर मेन प्रायोरिटी शुड बी आवर पीपल, द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अनफॉर्चुनेटली डिड मेक एनी हेडवेज, आवर फॉरेन मिनिस्टर वाज सपोज्ड टू मीट ऑन दिस इन द यूएनजीए लास्ट ईयर। गुज़िश्ता अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के दौरान हमारे वज़ीर ख़ारिजा को अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात करनी थी, जो भारत ने मंसूख कर दी। हमने सोचा भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये एक इंतहाई कौम परस्ताना जुमात है और वो इस मौके पर पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। हमने सोचा ठीक है, हम इंतखाबात तक इंतजार करेंगे। इस दौरान में एक 20 साल का कश्मीरी लड़के ने अपने आप को बम बांधकर एक काफले में उड़ा दिया, जिसको उसके बाप के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहा पसंद बनाया था। इसके फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया। मैंने टेलीविजन पर भारतीय आवाम से बात की और कहा अगर वो हमें छोटा सा भी सबूत दे दे तो हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन ग्रुप्स पर पाबंदी आयद की हुई है। हमें सबूत फराहम करने के बजाय उन्होंने हमारे मुल्क में बमबारी के लिए जहाज भेजे। हमने जवाबी कार्रवाई की, दो जहाज मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमने फौरी तौर पर पायलट को वापस कर दिया और ये पैगाम दिया कि हम कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। इस इकदाम को अमन का पैगाम समझने की बजाय उन्होंने अपनी सारी इंतखाबी मुहिम इस बात पर मरकूज रखी कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया है और 350 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जो कि एक सफेद झूठ है। 350 टेररिस्ट कंप्लीट लाइ, दे हैड जस्ट किल्ड अबाउट 10 ट्रीज ऑफ आवर्स। इसमें हमारे सिर्फ 10 दरख्तों को नुकसान पहुंचा और ये भी हमारे लिए खासा तकलीफ दे था। ही देन इंतखाबी मुहिम में मोदी ने कहा यह सिर्फ एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है और हमने पाकिस्तान में जाकर उन्हें सबक सिखाया है। ये उनकी इंतखाबी मुहिम थी। मैंने सोचा कि सियासतदान इंतखाबात में कामयाबी के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और इंतखाबात के बाद हमारे ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे, मगर जो ही इंतखाबात खत्म हुए हमने भारत से राबता किया मगर कोई जवाब ना आया। और फिर मालूम हुआ कि वो हमें FATF के जरिए ब्लैकलिस्ट कराना चाहते हैं ताकि हम दिवालिया हो जाएं। उस वक्त हमने ये महसूस किया कि मोदी का कोई एजेंडा है। दैट्स व्हाट वी रियलाइज्ड, देयर वाज एन एजेंडा एंड दैट एजेंडा बिकेम ऑब्वियस ऑन द 5th ऑगस्ट। ये एजेंडा 5 अगस्त को बेनकाब हुआ। भारत ने सलामती कौंसिल की 11 करारदादों की खिलाफ वर्जी की, जिनमें कहा गया है कि कश्मीर एक मुतनाज़िया इलाका है और कश्मीर के अवाम को खुद इरादियत का हक हासिल है।
उन्होंने शिमला मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की जो मसाइल को दो तरफा तौर पर हल करने की बात करता है। दरअसल उन्होंने भारतीय आईन की भी खिलाफ वर्जी की। They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. जब उन्होंने गैर कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 को मंसूख किया, जिसके जरिए कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी गई थी। उन्होंने कश्मीर में 1,80,000 इजाफी फौजी भिजवाए। अब कश्मीर में भारतीय फौज की मजमूई तादाद 9 लाख है और उन्होंने 80 लाख कश्मीरियों को कर्फ्यू लगाकर महसूर किया हुआ है। मिस्टर प्रेसिडेंट, नाउ आई जस्ट ब्रीफली वांट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड। जनाब सदर, मैं आपको मुख्तसर तौर पर यह बात समझाना चाहता हूं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और मुझे ये वाजे करना होगा कि आरएसएस क्या है। नरेंद्र मोदी आरएसएस का ताहयात मेंबर है। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. RSS believed in Hitler aur Mussolini se mutasir hai, jiska qiyam 1925 mein amal mein aaya. They also believed ye nasli imtiaz par yakeen rakhte hain. Wo ye bhi mante hain ki wo aryai nasl se hain. नाजी इज्म को मानने वाले भी यही कहते थे। जो मैं कह रहा हूं इसकी तस्दीक की जा सकती है। ये वक्त मालूमाती इनकलाब का है। आप जानने के लिए गूगल की मदद ले सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत अहम है कि वजाहत करूं ताकि मालूम हो कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है। आरएसएस भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी पर यकीन रखती है। उनका अवलीन नुक्ता नजर हिंदुओं की बालादस्ती और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए नफरत है। इट वॉज हेटेड फॉर द मुस्लिम्स एंड फॉर द क्रिश्चियंस बिकॉज दे बिलीव दैट दिस गोल्डन एज ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन वॉज stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was. वो समझते हैं हिंदू मत की सुनहरी तहजीब का तसलसल मुसलमानों और बरतानवी दौरे हुकूमत की वजह से टूटा। ये बात खुलेआम कही गई। This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS. आप RSS के बानियों पर नजर डालें, आप Google पर जाएं तो सब मालूम हो जाएगा। Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. 1948 में अजीम लीडर महात्मा गांधी के कत्ल की वजह यही नफरत पर मबनी नजरिया था। और फिर सन 2002 में यही नजरिया था जब मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का मुनज्जम कत्लेआम किया जब वो वजीर आला थे। He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts, they actually wear brown shirts. This RSS ke gunde 3 roz tak musalmanon ka qatl-e-aam karte rahe jinhone 2000 musalmanon ko bedardi se qatl kiya. उन्होंने हिटलर की पसंदीदा ब्राउन रंग की कमीजें पहन रखी थी। कांग्रेस के साबिक वजीर दाखला ने बयान दिया कि आरएसएस के कैंपों में दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है जिन्होंने 2000 मुसलमानों को कत्ल किया और 1,50,000 मुसलमान बेघर हुए। यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका दाखले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मुझे आपको ये पस मंजर बताना है कि ये कैसी जहनियत है जो 80 लाख लोगों को 9 लाख फौजियों की मौजूदगी में महसूर कर देती है। औरतों, बच्चों और बीमार अफराद को घरों में जानवरों की तरह कैद कर दिया गया। असल में जो मैं बरतानिया के बारे में जानता हूं कि अगर वहां 80 लाख जानवरों को भी बंद किया जाता तो बहुत ज्यादा शोर बरपा होता। ये तो फिर इंसान है। And Mr. President, what comes? जनाबे सदर, नस्ली इम्तियाज से तकबर जन्म लेता है और इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। तकबर ही अफराद से गलत और जालिमाना अकदाम करवाता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने किया। ये तकबर ही है जिसकी वजह से वो अंधा हो गया है और उसे नहीं मालूम कि कर्फ्यू उठने के बाद क्या होगा।
क्या उसने इस बारे में सोचा? इस पर गौर नहीं किया गया कि वो कर्फ्यू उठाने के बाद क्या करेगा? From the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think? क्या वो समझता है कि कश्मीर के अवाम खामोशी से इस सूरत हाल को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि भारत ने आईन तब्दील कर दिया है और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी है? क्या वो ये तस्लीम करेंगे? जनाब सदर, गुज़िश्ता 30 साल में 1,00,000 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं क्योंकि उनको वो हक खुद इरादियत नहीं दिया गया जो अक्वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दिया था। 11,000 खवातीन की इस बदतरी की गई। इस बारे में अक्वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की 2 रिपोर्टें मौजूद हैं। इस हवाले से दुनिया ने कुछ नहीं किया क्योंकि भारत 1,20,00,000,000 अफराद की मार्केट है। अफसोस है, मादियत को इंसानियत पर बर्तरी दी गई है, इसके संगीन नताइज होंगे। The material prevails over the human, but this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, मैं यही बात करने यहाँ आया हूँ। देखें, जब कर्फ्यू उठाया जाएगा तो कत्लेआम होगा, लोग बाहर निकलेंगे। वहाँ 9,00,000 फौज है, वो इसलिए कश्मीर में नहीं आए कि वहाँ खुशहाली आएगी, जैसा कि नरेंद्र मोदी कहता है। वो बाहर निकलेंगे तो फौज क्या करेगी? कत्लेआम होगा। क्या इस पर उसने गौर किया? When they come out, there'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? Janab Sadr, kya kisi ne is par gaur kiya ki kya hoga jab wahan qatl-e-aam hoga? Aapke khayal mein कश्मीरी आवाम पर क्या असरात होंगे? आपके ख्याल में वो क्या सोचेंगे? जिस अंदाज में उन्हें कैद किया गया है, उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया है, तमाम सियासी कयादत भी हिरासत में है जिन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकिल किया गया है, हत्ता के भारत के हामी कश्मीरी रहनुमाओं को भी वहां से भेज दिया गया है। 13,000 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है और मालूम नहीं कहां रखा गया है। आपके ख्याल में कश्मीरी आवाम क्या करेंगे जब कर्फ्यू उठेगा? वो सड़कों पर निकलेंगे तो फौजी रद्दे अमल में उन पर गोली चलाएंगे। पहले ही वो पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गुज़श्ता 5 साल से जुल्म जारी है, और पैलेट गन से नौजवानों को बसारत से महरूम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में कश्मीरियों में इंतहा पसंदी बढ़ेगी। जनाबे सदर, फिर एक और पुलवामा होगा और फिर भारत, जो हम पर पहले ही इल्जाम लगा रहा है, मजीद इल्जाम लगाएगा। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। उनके वजीर दिफा ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर 500 दहशतगर्द भारत में दाखिले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान 500 दहशतगर्द क्यों भेजेगा जहां 9,00,000 फौज मौजूद थे? वो उन पर क्या असर डालेंगे और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या हमें मालूम नहीं कि जब वहां दहशतगर्दी का वाक्या होगा तो कश्मीरियों पर मज़ालिम में इजाफा होगा? हम 9,00,000 फौजियों को ये मौका फराहम करेंगे कि वो कश्मीरियों को मजीद दबाएं? 900,000 ट्रूप्स टू फर्दर क्रश द पीपल ऑफ कश्मीर एंड देन विल गिव द इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय हुकूमत को भी ये मौका देंगे कि वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए इस्लामी दहशतगर्दी का मंत्रा दोहराए, जिसे सुनते ही सारी दुनिया अपना मुंह फेर लेती है और कोई इंसानी हुकूक की बात नहीं करता। और आप जो चाहें वो करें, जो आज कश्मीर में हो रहा है वो इस्लामी दहशतगर्दी की रट लगाते रहेंगे, जो कि वो अब कर रहे हैं। हमें इससे क्या फायदा होगा? और कश्मीरी आवाम पर जुल्म में इजाफा होगा और हम ये क्यों चाहेंगे? लेकिन भारत के पास कोई और बयानिया नहीं। जब वो कर्फ्यू उठाएंगे, जो भी रद्द अमल आएगा, इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगेगा। बट देयर इज नो अदर नैरेटिव लेफ्ट फॉर इंडिया। एज व्हेन दे लिफ्ट द कर्फ्यू, व्हाटएवर हैपेंस, पाकिस्तान विल बी ब्लेम्ड एंड देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ अनदर पुलवामा। They will again.
एक और पुलवामा का खतरा हर वक्त मौजूद है, हो सकता है वो दोबारा हम पर हमला करे और फिर वही सिलसिला दोबारा चल पड़े। और नरेंद्र मोदी क्या सोचता है कि इस वक्त भारत में 18 करोड़ मुसलमान क्या सोच रहे हैं? क्या वो ये नहीं देख रहे कि कश्मीरियों के साथ वहाँ क्या हो रहा है? 55 दिनों से वो घरों में कैद हैं। क्या वो नहीं देख रहे? आप नहीं समझते कि भारत में रहने वाले 18 करोड़ मुसलमान क्या इंतहा पसंदी की तरफ माइल नहीं होंगे? और जब वो इंतहा पसंद बन जाएंगे तो फिर सारे भारत में ऐसे ही वाकयात होंगे, हम पर दोबारा इल्जाम लगेगा। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि हम पर दोबारा इल्जाम लगेगा। जनाब सदर, 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है जो सब देख रहे हैं? उन्हें मालूम है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उन्हें मालूम है कि ये सब कुछ उनके मजहब की वजह से है। आप क्या समझते हैं कि अगर 80 लाख की बजाय महज 8,000 यहूदियों के साथ ये सलूक हो तो वो क्या सोचेंगे? यूरोप के लोग क्या सोचेंगे? किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो क्या सोचेगा? क्या हम कमतर मखलूक हैं? क्या हमें इससे तकलीफ नहीं पहुंचती? और फिर क्या होगा 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों में से कुछ हथियार उठा लेंगे? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films. मगरबी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो इंसाफ के लिए हथियार उठा लेता है। मशहूर फिल्म डेथ विश में जब एक शख्स की बीवी कत्ल होती है तो वो हथियार उठा लेता है और लुटेरों का कत्लेआम शुरू कर देता है और पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। आप जानते हैं हम मुसलमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं? अगर कत्लेआम हुआ तो मुसलमान इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam. Islam nahin, balki wo surat-e-haal hogi jab unhein insaaf nahin milega. Rohingya ke 1 lakh musalmanon ki nasl-kushi ki gayi, is par aalmi biradari ki kya zimmedari thi? Aapke khayal mein 1 arab 30 crore musalmanon ka kya rad-e-amal hoga? मैं अपने आप को कश्मीरी तसव्वुर करता हूं, जो कि 55 दिनों से महसूर है। मैं औरतों की इस्मत दरी के वाकयात सुनता हूं, जब भारतीय फौज घरों में दाखिल होती है। क्या मैं इस तजलील के साथ जिंदा रहूंगा? मैं हथियार उठाऊंगा। I've heard about the rapes, Indian army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. आप लोगों को जबरदस्ती इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। जब लोगों में जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो जाए तो वो किस लिए जिंदा रहें? अगर आप इंसानों के साथ ऐसा करेंगे तो आप उन्हें इंतहा पसंद बनाएंगे। जनाब सदर, इसलिए मैं दोहराना चाहूंगा कि बहुत नाजुक वक्त है, इस पर रद्दे अमल आएगा, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाएगा। मोस्ट क्रिटिकल टाइम्स देयर विल बी अ रिएक्शन टू दिस। पाकिस्तान विल बी ब्लेम्ड। टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज विल कम फेस टू फेस लाइक वी केम इन फरवरी। दो एटमी कुव्वतें आमने सामने होंगी जैसे फरवरी में हुआ। इससे पहले कि हम उस समत बढ़ें, अक्वामे मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। यही वजह है कि 1945 में अक्वामे मुत्तहिदा वजूद में आई थी। आपको इसे रोकना होगा। मैं समझता हूं कि हम 1939 में वापस चले गए हैं, जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था। आलमी बरादरी क्या करेगी
क्या ये 1 अरब 20 करोड़ अवाम की मार्केट को खुश रखेगी या इंसाफ और इंसानियत के साथ खड़ी होगी? A market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this agar ye silsila jari raha to aap badtareen halaat ke liye taiyar rahein. Prepared for the worst. Janab-e Sadr, agar do atomy mulkon mein riwayati jang chhid jati hai to kuch bhi ho sakta hai. अगर अपने हमसाये से 7 गुना छोटे मुल्क को ये फैसला करना पड़े कि या तो वो हथियार फेंक दे या फिर मौत तक अपनी आजादी के लिए जंग लड़े, हम क्या करेंगे? मैं अपने आप से सवाल करता हूँ। मेरा यकीन है कि अल्लाह एक है और हम जंग करेंगे। Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country एटमी ममालिक आखिर तक जंग लड़ते हैं तो इसके नतीजे सरहदों से आगे निकल जाते हैं, इसके दुनिया पर असर होंगे। यही वजह है कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं खबरदार कर रहा हूँ, ये धमकी नहीं, खौफ और परेशानी है। हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं यहाँ अक्वामे मुत्तहिदा को बताने के लिए आया हूँ कि ये आपका इम्तिहान है। आप ही ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया था।